my YouTube channel Prosperous Academy. So we start with the next topic, simplification under basic of maths. So write down simplification. नंबर सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. नाउ टुडे दैट इज सिंप्लीफिकेशन. पंजाबी में बेटा इसको क्या बोलते हैं? सरलीकरण. सरलीकरण. राइट डाउन. नाउ बेटा सिंप्लीफिकेशन करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट जो रूल अप्लाई होता है दैट इज सिंपली कॉल्ड बोर्ड मास. अब बच्चे बी से आपका क्या है? ब्रैकेट्स. बी से क्या है? ब्रैकेट्स. अब बच्चे ब्रैकेट्स भी आपकी चार तरह की हैं. फर्स्ट वन इज विनिकुलम और बार ब्रैकेट्स. फर्स्ट ब्रैकेट जो आप सॉल्व करोगे दैट इज विनिकुलम और इट इज आल्सो कॉल्ड बार ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट जो आपकी है दैट इज स्मॉल ब्रैकेट. दैट इज स्मॉल ब्रैकेट. ये ब्रैकेट्स का ऑर्डर बता रहा हूं अभी मैं और उनकी टाइप्स. स्मॉल ब्रैकेट आप किससे शो करते हो? ये दिस वन. इसको और क्या बोलते हैं बच्चे? पैरेंथेसिस. पी ए आर ई एन टी एच ई एस आई एस. अब फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास विनिकुलम है. सेकंड वन इज स्मॉल ब्रैकेट. जो थर्ड ब्रैकेट है आपकी नोट डाउन दैट इज दिस वन. कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस. कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस. कर्ली ब्रैकेट्स और दैट इज कॉल्ड ब्रेसेस. That is, ये ऐसे बनती हैं आपकी. लास्ट वन दैट इज स्क्वेयर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट्स. स्क्वेयर ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स. ये कैसे शो करते हो बेटा? ये ऐसे शो करते हो क्वेश्चन में. सो ब्रैकेट सॉल्व करते वक्त पहला जो वर्ड है बी से ब्रैकेट, उसमें भी ब्रैकेट्स डिफरेंट टाइप्स की आपको इकट्ठी आ सकती हैं. फर्स्ट वन इज विनिकुलम और बार ब्रैकेट. जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 8-3 ऊपर बार लगा हुआ है दैट इज दिस वन. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5. इसको ऊपर ऐसे शो करते हैं बेटा 9 डाल के. That is vinculum or bar bracket. Small bracket also called parenthesis. That is this one. Curly brackets, braces or square brackets or big brackets. Now next जो word है आपका off. अब मैं next जो word बता रहा हूं आपको that is off. Off that implies also multiplication. जैसे 10 off 1/5. तो आप क्या मेंशन कर दोगे? 10 × 1/5 और 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2. डी से आपका डिवीजन है दैट मीन्स भाग. देन एम से मल्टीप्लीकेशन. एम से मल्टीप्लीकेशन That is also called guna. Then aapka A se addition. That is called jod. Aur aapka S se subtraction.
दैट इज कॉल्ड कट ऑफ, और इसको माइनस भी बोलते हो। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस ऑर्डर में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मींस टू से दैट एक एग्जांपल है, आप मेंशन कर देता हूं, 2 + 3 - 1 * 5 * 6 + 10 / 2। अब इसमें मैंने ब्रैकेट नहीं ली तो ब्रैकेट को हमने छोड़ दिया। उसके बाद ओ ऑफ है तो ऑफ वाला साइन भी मल्टीप्लाई का है, बट वो आगे लेंगे हम। डिवीजन ऑफ वहां पे सिंपली मेंशन कर रखा होगा ऐसे लिखकर, देन आपको सॉल्व करना है पहले। अगर ये साइन के साथ है तो ये यहां पे इंप्लाई करेगा मल्टीप्लिकेशन। नाउ देन आप दिया डिवीजन, अब डिवीजन आ गया आपके पास ये वाला फंक्शन, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे पहले, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख देंगे। 2 + 3 - 1 * 5 * 6, 10 / 2 का आंसर क्या आ गया, 5, 5 * 2 = 10। अब आपके पास डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो ये मल्टीप्लाई आपका हो रहा है 2 + 3 - 1, 5 * 5, 5 * 6 = 30। इसका आंसर ये आ गया बेटा, मैं बॉक्स डाल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्लस क्या आ गया, 5। देन आपका क्या है, एडिशन। एडिशन वाले अब नंबर आप सेपरेट कर लो, 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 - 30, दैट गिव्स यू आंसर -20। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -20। सो ये आपको मेथड फॉलो करना है सिंप्लीफिकेशन करते वक्त। सो नोट डाउन, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रॉस्पेरस अकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।